जा रहा है, जो लगातार अनुपस्थित रहेगा उसका नाम काट दिया जाएगा, जानकारी थी नहीं थी जानकारी? उसके बाद भी क्यों तुम चलो, तुम्हारा क्या? बिहार के सरकारी विद्यालयों में बच्चों की उपस्थिति और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को लेकर शिक्षा विभाग अब काफी सख्त रवैया अपना रहा है। विभाग के निर्देश पर वैसे बच्चे जो लगातार विद्यालय से अनुपस्थित हैं, उनका नाम काटने का निर्देश जारी किया गया है। विभाग के निर्देश के बाद समस्तीपुर जिले में लगभग 85,000 बच्चों का नाम विद्यालय से काट दिया गया। विद्यालय से नाम कटने के बाद से बच्चों और अभिभावकों में हड़कंप मच गया है। वहीं विद्यालय से अनुपस्थित रह रहे बच्चे अब फिर स्कूल की तरफ मुखातिब हो रहे हैं। स्कूल से अनुपस्थित रहे बच्चों की अपनी अलग अलग दलील है। कुछ बच्चे परिवार और रिश्तेदार में किसी के बीमार होने तो कुछ खुद के बीमार रहने की बात बता रहे हैं। वहीं कुछ बच्चे स्कूल में पढ़ाई नहीं होने की दलील दे रहे हैं। क्यों काटा गया और क्या कुछ सूचना मिली थी? सर, मेरा तो नाम काटा गया, मतलब हम एब्सेंट हो गए 10-12 दिन तक। अच्छा। मेरा दूसरा रीजन है एब्सेंट होने का, क्योंकि मेरा मामा का बेटी डेट पर गई, डेट हो गई। अच्छा। इसलिए मैं स्कूल ना पाए, स्कूल मतलब वहाँ से आए जो मेरा तबीयत खराब हो गया अचानक, इसलिए मेरा नाम काट दिया गया। कोई नोटिस दिया गया था? नोटिस नो सर। अच्छा, यहाँ आए हैं तो कोई बात किए तो क्या कहा गया? सर बात किए गए, मतलब अब रेगुलर आओ हो जाएगा। रेगुलर? क्या नाम हुआ? अविनाश कुमार। कौन से क्लास में? क्लास 10। क्यों विद्यालय नहीं आती थी? मौसी क्या पढ़ाई कर रही थी? क्यों यहाँ विद्यालय में पढ़ाई नहीं होती है? अच्छा, किस क्लास में हो? तो नोटिस गया था विद्यालय से? तो अभी क्या चाह रही हो? इसी विद्यालय में? तो अभी स्कूल आना है? क्या नाम है? क्यों काटा गया और कितने दिनों से आप एब्सेंट थे? पूरा क्या मामला? 10 दिन से एब्सेंट थे। अच्छा। दादाजी का तबीयत बहुत खराब था तो हॉस्पिटल से। तो क्या सूचना मिली, कैसे ना, किसने कहा कि नाम आपका कट गया? कोई नोटिस गया था? हाँ। अच्छा, क्या लिखा हुआ था नोटिस में? नाम काट दिया गया, रेगुलर आने पर फिर हो जाएगा। क्या नाम है आपका? अंतरा कुमारी। कौन से क्लास में पढ़ते हैं? 10th। शिक्षा विभाग के निर्देश के बाद विद्यालय से अनुपस्थित बच्चों को नोटिस भेजा जा रहा है। स्कूल से नोटिस मिलने के बाद बच्चे अब विद्यालय पहुंच रहे हैं। विद्यालय के प्रधानाचार्य का बताना है, जिन बच्चों के अभिभावक लिखित डिक्लेरेशन दे रहे हैं उन बच्चों का पुनः नामांकन किया जा रहा है। स्कूल के प्रिंसिपल विभाग के निर्देश को सही बता रहे हैं। उनका कहना है, इससे विद्यालयों में बच्चों की उपस्थिति काफी बढ़ी है। हमारे यहाँ कुल जो है 929 बच्चे नामांकित है, 9वीं, 10वीं, 11वीं और 12वीं। उसमें से लगातार जो है अक्टूबर तक जो लगातार अनुपस्थित रहे बच्चे, ऐसे 194 बच्चों के नाम काट दिए गए हैं। विभाग का ये निर्देश था और विभाग को सूचना भी दे दी गई है। तो जो बच्चे नहीं आने के पीछे इनका मुख्य कारण क्या है, कारण क्या होता है? उसमें तो कई तरह के कारण है, लेकिन अधिकांश बच्चे जो बतला रहे हैं कि उनके घर के कोई सदस्य, कहीं पिताजी, किसी की माँ, किसी के दादा, किसी की दादी, किसी के और कोई रिश्तेदार जो है बीमार थे, उसकी देखभाल में जो है कुछ बच्चे खुद ही बीमार थे, जिसके चलते वो विद्यालय, और आज मैं समझता हूँ कि 2 दर्जन के आसपास बच्चे आए हैं, क्योंकि कल से जो परीक्षा शुरू हुई और वो आवेदन लेकर के आ रहे हैं कि इन कारणों से हम विद्यालय में अनुपस्थित रहे हैं, हमारा पूरा जो है नामांकन, हमारा नाम जो काटा गया उसको वापस ले लिया जाए। विभाग से निर्देश प्राप्त करने के बावजूद ये कार्रवाई की जाएगी उनके पक्ष। इसका मुख्य जो निर्णय लिया गया है, इसको किस रूप में आप लोग देखते हैं और क्या लगता है? ये निर्णय जो है बहुत सही निर्णय है जहाँ तक मैं समझता हूँ, क्योंकि अगर मानवीय अनुशासन नहीं होगा, अगर बच्चों पर सख्ती नहीं होगी तो बच्चे विद्यालय में नहीं आएंगे, और विद्यालय में बच्चे नहीं आएंगे तो शिक्षक क्या करेंगे बैठ कर के दिन भर? शिक्षक के लिए भी इंगेजमेंट होगा और बच्चे को फायदा तो है ही, और यहाँ अधिकांश बच्चे हाशिया पर के बच्चे हैं, उनको यहाँ से जो खुराक मिलेगी और स्वाध्याय करेंगे तो मैं समझता हूँ कि उनका जो है मैट्रिक या इंटर की परीक्षा में अच्छा परफॉर्मेंस हो सकता है। क्या नाम आप साहब? शाह जफर इमाम, प्राचार्य, गोलफील्ड रेलवे कॉलोनी, उच्च माध्यमिक विद्यालय, समस्तीपुर। वहीं जिला शिक्षा पदाधिकारी मदन राय का बताना है, सरकारी विद्यालयों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा
और छात्रों की उपस्थिति को लेकर लगातार विभाग के द्वारा दिशा निर्देश जारी किए जा रहे हैं। इस आलोक में वैसे बच्चों जो विद्यालय से लगातार अनुपस्थित हो रहे हैं, जिले में ऐसे लगभग 85,000 बच्चों का नामांकन काटा गया है। विद्यालय के द्वारा अनुपस्थित छात्रों को नोटिस भेजा जा रहा है। अगर उनके अभिभावक शपथ पत्र देते हैं तो बच्चों का पुनः नामांकन किया जा रहा है। सरकारी विद्यालय में जो बच्चों की अनुपस्थिति को लेकर निर्देश जारी किया गया था, तो अपने समस्तीपुर जिले में लगभग कितने बच्चों का नामांकन रद्द हुआ है और उसको लेकर के आगे क्या कुछ कार्रवाई चल रही है? इसमें विभाग का जो दिशा निर्देश है उसके आलोक में हम लोग विद्यार्थियों को पहले नोटिस दे रहे हैं और 15 दिन के बाद वो कार्यालय कक्षा से लगातार अनुपस्थित है या फिर लंबे समय से जो अनुपस्थित है, जैसे हेडमास्टर सब को चिन्हित किए हुए हैं, वैसे बच्चे को हम लोग नामांकन तत्काल काट रहे हैं। लेकिन ये पूर्णतः काटा नहीं जा रहा, तत्काल इसलिए मैंने शब्द का उपयोग किया कि अगर बच्चे फिर हमारे एफिडेविट देके या सुबह घोषणा दे करके उनके गार्जियन या बच्चे आते हैं कि हम नियमित तौर पर विद्यालय आएंगे तो उनका पुनः हम लोग नामांकन ले लेते हैं। ये मैक्सिमम उपस्थिति बढ़ाने के लिए ताकि बच्चे हमारे विद्यालय में आए और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा ले और कंटिन्यू उपस्थित रहे, उसी के लिए ये प्रयास किया जा रहा है। तो इसमें एक बात ये देख लेना है कि बच्चे को हम लोग परमानेंट उन्हीं को हटा रहे हैं जो नहीं आ रहे, लेकिन जो हट रहे हैं और स्व घोषणा या है उनका एफिडेविट दे देते हैं उनका पुनः हम लोग विद्यालय में नामांकन करा देते हैं। अभी तक कितने और अभी तक अपने जिले में 85,000 प्लस बच्चे का नामांकन काटा गया है और उसमें भी जो घोषणा दे देते हैं स्व घोषणा या मैंने बताया एफिडेविट दे देते हैं उनका पुनः हम लोग नामांकन करा देते हैं। ये केवल गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और विद्यालय में बच्चे की मैक्सिमम उपस्थिति सुनिश्चित हो, इसी के लिए विभाग की तरफ से प्रयास किया जा रहा है। धन्यवाद। ठीक है।